हाय फ्रेंड्स, आपका अपने यूट्यूब चैनल में स्वागत है। आज हम आए हैं पुष्पावती नगरी बिलहरी, जो कि राजा कर्ण की नगरी थी। वही राजा कर्ण जिसका उल्लेख महाभारत काल से हमें मिलता आ रहा है और जिसका हमेशा पुराने समय से उल्लेख मिलता है। ये नगरी 11वीं शताब्दी की बनी हुई नगरी है। इसमें बहुत सारे रहस्य और बहुत सारी ऐसी चीज़ें, असाधारण चीज़ें अपने अंदर में समेटे हुए हैं जिसका आज तक लोगों को पता नहीं है। उसी में से कुछ एक रहस्य हम आपके सामने लेके आ रहे हैं, जिसका नाम है लक्ष्मण सागर। लक्ष्मण सागर एक ऐसा सरोवर है जिसमें राजा कर्ण ने अपने पुत्र का बलिदान दे दिया था। तो आज हम उसी कहानी की चर्चा करने के लिए आपको लेके आए हैं। राजा कर्ण की ये नगरी थी पुष्पावती नगरी, जिसे राजा कर्ण राज किए और राज करने के बाद इस सरोवर का निर्माण भी कराया। इस सरोवर का निर्माण के समय अकाल आया था और अकाल के समय एक एक बूंद बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी थी। उस समय अपनी प्रजा के सुख को देखते हुए लक्ष्मण सागर का राजा कर्ण ने निर्माण कराया, लेकिन कहीं से भी उसमें जल आने की संभावना नहीं थी। तो अंततः उन्होंने परेशान होकर इस सरोवर में यज्ञ और पूजा अनुष्ठान कराए, और अनुष्ठान कराने पर अपने पुत्रों का बलिदान करके पानी की प्राप्ति करी। तो ये है लक्ष्मण सागर। लक्ष्मण सागर का दृश्य देख रहे हैं आप। ये लक्ष्मण सागर जो है बहुत ही विशाल 65 एकड़ के क्षेत्र में फैला हुआ है और ये राजा कर्ण द्वारा निर्मित है। इसमें अपने पुत्रों का बलिदान करके राजा कर्ण ने बनवाया था। तो आइए जानते हैं इसके बारे में और रोचक तथ्य। तो आज हम आए हैं पुष्पावती नगरी बिलहरी, जो कि कटनी से 15 किलोमीटर दूर है। तो आज हम लक्ष्मण सागर के बारे में बात कर रहे हैं। जो लक्ष्मण सागर है, इसके बारे में हमें अचरज की बातें जो सुनने मिली, इसकी जो कहानी है, जो महिमा है, जो कथाएं इसके बारे में प्रचलित हैं, उसके बारे में हम आपको बताने के लिए यहाँ लाए हैं। यहाँ कुछ इस तरह से है कि ये लक्ष्मण सागर जो राजा कर्ण द्वारा बनवाया गया था, और बाकी जो इसकी और विशेषताएं हैं, जो हम अपने समक्ष बाबा जी हैं उनसे संपर्क करके पूछेंगे, जांचेंगे कि क्या है इसकी, क्या कहानी है और क्या यहाँ का महिमा है। तो बताइए बाबा जी, ये लक्ष्मण ये सागर जो है ये किसने बनवाया था? लक्ष्मण सागर राजा कर्ण ने खुदाया था, जो और भी सवा मन सोना रोज दान करते थे राजा कर्ण। उनकी जगह गढ़ ही पीछे है अपने, जहाँ बैठे अपन ये शिव घाट में बैठे हैं, शंकर जी का स्थान है, वहाँ पर बैठे हैं अपन यज्ञशाला के नीचे। और ये लक्ष्मण सागर उन्हीं का खुदाया हुआ है। ये 60-65 एकड़ का प्लाट है, पूरा 60 फुट गहरा है नीचे। हाँ, तो पानी नहीं निकला था, तो फिर आकाशवाणी हुई थी, प्रभु की इच्छा है, आकाशवाणी हुई कि राजा अगर तू अपना नाम चलाना चाहता है तो जेठा लड़का, जेठी बहू थी, एक ही लड़का था उनका, उनका नाम था लक्ष्मण, लक्ष्मण राजा का नाम, लड़की का नाम था लक्ष्मण। तो फिर वहाँ पर मंदिर बनवाया, बीच में जो कचड़ा दिख रहा है आपको, अच्छा, और बाजू में एक कचड़ा और दिख रहा है वहाँ पे है, तो रेस्ट हाउस बना। और तीसरा कचड़ा जो दिख रहा है वो बरंगों ने अभी मतलब अपने सिंगाड़ी लगाए थे, हाँ, तो उसका कचड़े का वो बना बना हुआ। हाँ, तो दिन भर वहाँ पूजा हुई, सब कुछ हुआ, हाँ, और रात में राजा का आदेश हुआ कि लक्ष्मण आपको वहीं विश्राम करना है। अच्छा, वहीं सोना है। हाँ, तो रात में वहीं दोनों लड़का बहू वहीं विश्राम कर रहे हैं। और जब समय आया जल उफान लेने का, तो एकदम जल उफान ले लिया। अच्छा, और आज भी लक्ष्मण सागर के अंदर लड़का बहू दोनों हैं। अच्छा, हाँ, कभी कभी भाग्य अगर है तो दर्शन मिलते हैं। अब बाजू में जो रोड के किनारे शंकर जी का मंदिर है, पीपर के नीचे, वहाँ बैठो तो मिलते हैं, बैसाख और जेठ के बीच में। अच्छा, तो मैंने यहाँ इसके बारे में सुना है कि यहाँ जो लक्ष्मण सागर जो बना हुआ है जी, ये इसका पानी कभी कम नहीं होता, कभी और आज सूखता तक नहीं है। जब से ये पानी आया है जब से आज तक सूखा नहीं चला गया। अच्छा हाँ, जी, अब हम भी तो 65 वर्ष के हैं जी, तो इतना तो हमको वो है, हमारे पिताजी भी बता रहे हैं हाँ, कि कभी नहीं सूखा ये। ये सही है। हाँ, हाँ, तो इसकी विशेषता ये है। तो जैसा कि आपने सुना कि ये जो लक्ष्मण सागर है, हाँ ये लक्ष्मण सागर की कथा अद्भुत है, जो राजा कर्ण द्वारा अपने पुत्र का बलिदान देने से इसमें जल का आगमन हुआ। हाँ और ये जो कथा है,
आज से नहीं वर्षों से प्रचलित है और ये कथा सत्य है। और ये जो पुष्पावती नगरी है यहाँ बहुत ही रोचक रोचक और बहुत ही रहस्यमय बहुत ही शानदार तरीके की कथाएं हैं जो कि राजा कर्ण से संबंधित है। और ये राजा कर्ण वह राजा कर्ण है जो कि महाभारत काल से हम नाम सुनते आ रहे हैं, जो सवा मन सोने का रोज दान करते थे। तो ये पुष्पावती नगरी बिलहरी कटनी ज़िले से 15 किलोमीटर दूर पे है, तो आइए कभी ज़रूर घूम के जाइए। तो मेरे YouTube चैनल का सब्सक्राइब करना ना भूलें, लाइक सब्सक्राइब और बेल आइकन को ज़रूर दबाएं।